कलंकार मंच से ही प्रकाशित हुआ था, ग्रामीण परिवेश की कहानियां हैं। और आज हम उनका एक नया कहानी संग्रह कितने में दोगे मोक्ष का विमोचन कर रहे हैं। कहानी संग्रह कितने में दोगे मोक्ष, भरत जोशी जी। भारत जोशी जी, मैं हमेशा कंग्रेस पुलिस लाइन पे आती है। मैं चाहूंगी कि आज जिन किताबों का विमोचन होने जा रहा है, देखो तुम्हें निशान से कुछ बोले कि वो क्या कहेंगे। जैसा कि अखबार जो भी प्रकाशित होती है किताबें, और सबको मालूम है कि एक जो कलमकार की प्रक्रिया है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, हम हर राइटर्स को मालूम रहता है कि उनकी कितनी किताबें बिकी हैं, कितनी बाकी हैं, जो भी होती है लेखकों के मैं संपर्क में रहता हूँ, उसमें मेरी बातचीत होती रहती है, और कितना रिफंड दिया जाएगा ये हम पहले से मतलब उनको जब किताब हमारे पास आती है प्रकाशित होने के लिए तभी हम उनको बता देते हैं कि भाई इतना आपके रिफंड होगा पैसा, है ना। और उस प्रक्रिया के तहत हम वो करते हैं। जैसे जिन साथियों की किताबें लोकार्पित होने जा रही हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे संयोग बहुत कम होते हैं कि साहित्य की पुस्तक साहित्य के एक बड़े दिन लोकार्पित हो सके। हम सब लोगों के लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि भाई निशांत लंबी और गंभीर बीमारी से मुक्त होकर आज हमारे साथ हैं, और इस खुशी तक हम सब लोगों को पहुंचाने के लिए उमा जी का जो योगदान है उसे जैसे सब मित्रों ने सराहा है मैं भी सराहना चाहता हूं। अभी साहिल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, फारूक साहब ने भी इस बात को दोहराया, और मुझे भी लगता है कि किताब का लोकार्पण एक उत्सव होता है और उस उत्सव पर बहुत सारी बातों को स्थगित किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से न सही, निजी तौर पर हर लेखक को मुझे लगता है आत्मावलोकन करते रहना चाहिए। अगर आपने एक किताब लिखी है और उसके बाद एक साल बाद, एक महीने बाद, एक सप्ताह बाद आपने दूसरी किताब भी लिखी है तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार तो होना ही चाहिए कि आपकी जो पिछली किताब थी उस किताब से आप कितना आगे दाएं या बाएं बढ़ गए। और लोगों की किताबें थोड़ी नरम चलती है तो ये कोई इसमें कोई ज्यादा रहस्य की बात नहीं है। रहस्य यही है कि आप और पाठक दोनों के बीच में जो दूरियां अभी बनी हुई है उनको आप अपनी कलम से कैसे नजदीक ला सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। आप जब तक समाज से जुड़ेंगे नहीं, आप जो आपका जो टारगेट ग्रुप है उससे अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी, अनसुनी रह जाएगी। तो कलम में अपनी ऐसी ताकत पैदा करें कि आपकी बात सीधी पाठक तक जाए और पाठक करे वाह। भाई निशांत मिश्रा जी के स्वस्थ होकर यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी से ऐसे मुसीबत वाली बीमारी से छुटकारा पाते हुए अपने आप को तैयार किया। उमा जी बेशक इसमें सहयोगी रही है, उमा जी के बगैर वो आज ये स्टैंड नहीं ले सकते थे जो इन्होंने लिया। जब ये बीमार नहीं थे उससे पहले की बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ।
आपने ये तय किया था कि हम एक को फेस्टिवल करेंगे जैसलमेर में, एक फेस्टिवल करेंगे उदयपुर में, ये इनके मन में अभी भी है। और उसके लिए ये बीमार होते हुए भी बार बार उठ के खड़े होते थे, यार मुझे तो फेस्टिवल करना है, मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे उदयपुर जाना है, फारूक साहब चलो यार, तो मैंने चलो तो मैं चलने की स्थिति नहीं भी था, लेकिन अचानक ऐसी बीमारी ने इनको घेर लिया और उन्होंने वो चल गए अपना जैसे उनको जाना था। तो चर्चिल ने उनको कहा, गांधी जी आपके कपड़े कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, मिस्टर चर्चिल आपने कुछ पहने लायक छोड़ा है क्या? तो ये जो बात है ना दोस्तों, ये बात सब जगह लागू होती है, साहित्य पे भी ये बात उतनी ही बड़े तरीके से लागू होती है। और इसलिए लागू होती है कि मैं इधर देख रहा हूँ कि साहित्यकारों के सामाजिक सरोकार, साहित्य के सामाजिक सरोकार पर तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन साहित्यकारों के खुद के सामाजिक सरोकार कितने हैं, कैसे हैं, क्या है, इस पर भी कभी अब बात करनी चाहिए हम लोगों को। फिर कभी मौका लगेगा और बात हम लोग करेंगे।